वेलकम दोस्तों को न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे पास आ गया पोट्रोनिक्स की तरफ से क्लैम एम मोबाइल होल्डर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो ओपन करते ही इसमें दो पार्ट आपको दिखेंगे। ये मोबाइल होल्डर है, आप मोबाइल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा पुल करूंगा तो हो जाएगा। यस, ये साइड दोनों साइड में पुल करने से थोड़ा सेट कर सकते हैं फोन को इस पे। यस, ऐसे सेट हो जाएगा। एंड दूसरा वाला जो पार्ट है वो इसके साथ ज्वाइन होगा, मतलब मोबाइल को अलग रख देता हूँ सबसे पहले। सो ये देखो, सो ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये अलग कर लिया ऐसे रख के, देखो अभी ये फिक्स करूँगा। यस, हो गया। एंड अभी इसको ना टाइट करना पड़ेगा ऐसा घुमा के, ऐसा मैं चलो क्लॉकवाइज घुमा के देखता हूँ। यस, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये टाइट हो गया है। यस यस। एंड बाय द वे एक चीज में गलती कर रहा था, सो ये देखो मैं इसको पुल कर रहा था, गलत चीज कर रहा था। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे पुश करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये दोनों साइड ओपन हो जाएगा। देखो पुश के ओपन हो गया, फिर ऐसे दबाना पड़ता है। एक बार पुश के देखो ओपन हो गया, थोड़ा सा ओपन हुआ और एक बार पुश किया और ओपन हो गया। देखो देखो पीछे पुश कर रहा हूँ कैसे ओपन हो रहा है, पीछे पुश किया और एक बार पुश किया और थोड़ा ओपन हो। सो ये फंक्शन है। और नीचे ये जो हिस्सा है ना, ऊपर मान लो ऐसे आपने रखा है, थोड़ा सा ये क्लैंप को भी बेंड करने का जगह है। ये देखो इसको टाइट या लूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लूज करके ऐसे कर लिया है। नीचे का प्लास्टिक हटाना पड़ेगा, ये हटा लिया देखो। एंड अभी एक काम करता हूँ, इसके ऊपर चिपकेगा नहीं लेकिन इसके ऊपर ही दिखाता हूँ। देखो अभी सबसे पहले लॉक को ओपन करना पड़ेगा, ओपन हो गया। अभी इसके ऊपर ऐसा रख दिया, रखने के बाद प्रेस किया अच्छे से, फिर ये लॉक को टाइट कर दिया। देखो ये अटक गया ना, ये कागज है, मेरे ख्याल से अटकना नहीं चाहिए था, लेकिन एयर को ऐसे ही वहां पे पकड़ लेता है तो जिसके वजह से ये अटक गया। सो इसको आप आपके कार के जो सामने वाले हिस्से हैं वहां पे फिट कर सकते हैं। मान लो ये आप एक चीज दिखाता हूं, कार के सामने ऐसे फिक्स कर दिया एंड मोबाइल को ऐसे फिक्स कर लिया है। तो देखो मोबाइल को फिक्स कर लिया है। इसमें आप नेविगेशन वगैरह मतलब ऐसे सेट करके नेविगेशन वगैरह मतलब देख सकते हो। ये हो गया पहला चीज़। अभी दूसरा चीज़ का बात कर लेते हैं। सो नेविगेशन वगैरह तो यहाँ पे मतलब ऐसे सेट कर लिया, चलो नेविगेशन देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ वो चलता है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा ऐसे घुमा दो ना, ये अभी लैंडस्केप मोड पे आ गया। सो रोड पे अगर अच्छा वीडियो शूट करना है एंड आपके मोबाइल में थोड़ा सा भी स्टेबलाइजेशन है मतलब EIS है तो उससे काम चल जाएगा। आप ऐसे फिट करो, वीडियो शूट पे लगा दो तो अच्छा सा रोड का एक अच्छा सा वीडियो निकल के आएगा। और अगर आप चाहते हो कि चलो मैं एक घंटे का ड्राइव पे चलता हूँ, चलो इसको डैश कैम के हिसाब से यूज करता हूँ तब तक, तो भी कर सकते हो इसमें। सो क्या होगा देखो, ये ऐसा आप इसको घुमा दो, ये ऐसे भी रिकॉर्ड करता रहेगा, मतलब जो पूरा व्यू है वो रिकॉर्ड करता रहेगा। एक तो डैश कैम के हिसाब से यूज कर सकते हो, मान लो आपको रील्स बनाना है, कुछ बनाना है, कोई दूसरा कोई ड्राइव कर रहा है, अब इसको गाड़ी के सामने ऐसा फिक्स कर दो, रोड का एक टाइम लैप्स ले लो या नॉर्मल वीडियो ले लो, बाद में उसमें रील्स बना सकते हो, वो सब कर सकते हो।
और नेविगेशन के हिसाब से तो यूज कर ही सकते हो। सो दिस इज अ मेरे ख्याल से अभी तक मुझे जितना दिख रहा है दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा ये प्रोडक्ट। अभी जितने प्राइस पे मैं खरीदा हूँ उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिस इज गुड। एंड एक चीज मतलब जो मुझको अच्छा लगा, ये देखो ये जो है ना, मतलब प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, लेकिन मतलब बिल्ड क्वालिटी इसका सच मुच बढ़िया है। सो जो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। सो अभी मैं कार के अंदर में हूँ एंड अभी देखो यहाँ पे प्लास्टिक था, इसको ऐसा पील ऑफ कर लिया एंड अभी ये जो है ना दोस्तों इसको लॉक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो मैं ऐसे रखता हूँ एंड इसको यहाँ पे मैं लॉक कर लूँगा। सो ये अभी फिक्स हो गया, देखो ये नहीं उठ रहा है। एंड अभी मान लो मैं इसको मोबाइल रखना पड़ेगा है मुझे, एक फ़ोन से तो शूट हो रहा है। एंड देखो अभी इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूँगा, सॉरी मैंने गलती की, बैक साइड मतलब दबाने से भी हो जाता है। सो ये देखो हो गया। एंड यहाँ पे मुझको टाइट करना पड़ेगा कौन से हाइट में मैं रखना चाहता हूँ। देखो इसको ऐसे में ऐसे घुमा लिया ना तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। सो अभी देखो अभी मैं ऐसे ही फोन ऑन करता हूँ। सो कैमरा को मैंने ऑन कर लिया है, अभी रोड का जो व्यू है ये लेगा। एंड इसका पोजिशनिंग थोड़ा सा गलत है, मतलब सामने कुछ नहीं है, गोदरेज एयर का जो एयर प्यूरीफायर है वो दिख रहा है। सो इसको भी यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं। सो और अच्छे से मेरे ख्याल से आएगा। यस ये रोड का जो व्यू है ये देखो, यहाँ पे मैं अगर फिक्स कर देता हूँ तो रोड का जो व्यू है वो ले पाएगा। वीडियो में सेट करता हूँ, चलो आप देखो यहाँ से मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो भी आपको दिखा दूंगा कैसे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। इसे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ मैं। सो ये फिक्स हो गया जगह पे। सो रोड का जो पूरा व्यू है इसको और थोड़ा डाउन कर लूँगा, रोड का जो पूरा व्यू है वो व्यू आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें रील्स बना सकते हो, कैमरा का जो एंगल है वो थोड़ा चेंज कर दो, या फिर नॉर्मल वीडियोज़ वगैरह रोड का टाइम लैप्स वो सब कुछ ले सकते हो इसके ज़रिए। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो में वहीं पे ख़त्म कर सकता था लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत डेमो में आपको दिखाया। देखो इतना गर्मी है अभी एसी चालू करके बैठा हूँ, मतलब नॉर्मली तो ऐसा कांच ओपन करके मतलब पॉसिबल ही नहीं है वीडियो बनाना, और नॉइज़ भी आएगा। जो भी है मैं वीडियो को वहाँ पे एंड कर सकता था लेकिन यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले, कुछ नहीं है। और आपका जो ये सामने वाला जो हिस्सा है ना ये अगर और क्लियर रहेगा तो फिर और अच्छे से आप सेट कर पाओगे, आप वो साइड भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है उसको थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। यस अगर आप ही ड्राइव कर रहे हो और आप ही नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसको दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट अगर दूसरा कोई शूट कर रहा है मैं तो कहता हूँ ये वाला साइड या फिर सेंटर से शूट करो, कोई इशू नहीं है। एक अच्छा बात दिखाता हूँ, देखिए ये तो ओपन हो गया ना, मेरे पास से दिखाता हूँ। देखो ये धीरे धीरे कम होता रहता है, ऐसे नहीं कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, मतलब मुझे तो अभी तक 17 मतलब अलग अलग साइज के हिसाब से, मतलब 17 अलग अलग साइज मतलब कवर के साथ में भी जो साइज है वो भी इसमें फिट हो जाएगा एंड अच्छे से फिट होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लूज हो रहा है या फिर मतलब नेक्स्ट लेवल जो है, मतलब नेक्स्ट जो इसका जो क्या बोलूं, मतलब नेक्स्ट जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है उसके लिए फिक्स नहीं हो रहा है, वो वाला प्रॉब्लम आप इसको मतलब आपको इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं जब इसको ऐसे ओपन करके क्लोज किया टोटल 17 मुझको मतलब ऐसे पॉइंट मिले जहाँ पे रुक सकता है। सो कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना है आई एम हैप्पी विथ इट। बाय द वे एक चीज़ दिखाने को भूल गया मेरे ख्याल से, ये जो है ना ये थोड़ा लूज करूँगा मैं, और ये प्रोडक्ट देखो ये बाहर भी निकल के आएगा थोड़ा सा, ये मैं दिखाने को भूल गया। सो ऐसे यहाँ पे फिक्स किया लेकिन इसका हाइट ज़्यादा नहीं हो रहा था तो इसको ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब देखो साइड से देखो ऐसा है।
सो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है ये काम करेगा अच्छे से। मान लो आपका फोन जो है थोड़ा, मतलब आपका डैशबोर्ड जो है थोड़ा ज्यादा दूर है, फोन को थोड़ा सा पास में लाना है वो एक चीज के लिए, या फिर मान लो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आप ऐसे, मतलब इसको ये लैंडस्केप मोड पे करके ऐसे मतलब वीडियो शूट करने वाले हो, लेकिन क्या है सामने डैशबोर्ड आ जाता है, तो इसको और थोड़ा ऊपर एलिवेट कर दो, तो फिर वो भी मतलब एक चीज़ है कि और थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो डैशबोर्ड का जो हिस्सा है और थोड़ा नीचे कट हो जाएगा, और थोड़ा बाहर मतलब ऐसे जो सामने का जो सिनेरियो है वो दिखेगा। डेफिनेटली गुड कॉन्सेप्ट। बाय द वे मैं डिस्प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उस लिंक पे जाके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हो। एंड सिर्फ मेरे बोलने पे परचेस मत करो, अगर आपको सचमुच ऐसा कोई प्रोडक्ट का जरूरत है, मान लो गाड़ी चला रहे हो नेविगेशन का जरूरत पड़ता है, या फिर आपको मतलब आप साइड में बैठे हो थोड़ा रील्स बनाना है, थोड़ा टाइम लैप्स लेना है, सो आपको अगर सचमुच ये सब रीजन के लिए चाहिए है तो ही आप इसको परचेस करो। एंड अगर इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, क्योंकि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बढ़िया है। बाय द वे बेस्ट बाय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज आने वाले हैं।